Hello everyone, today in this video we are going to discuss regarding how to control status bar using buttons in Odoo 16. तो हमने जो हमारा मॉड्यूल है हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हमारे कस्टमर मॉड्यूल का नाम है हॉस्पिटल, ठीक है। और हमने अपॉइंटमेंट में स्टेटस बार हमने ऐड किया था, ये हमारे स्टेटस बार है, ठीक है। और अब मैं आपको सेल्स में जाता हूँ और जो हमारे स्टेटस बार है इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे बटन एड्स किए हैं। अगर मैं कंफर्म करता हूँ तो ये सेल्स ऑर्डर में जाता है, अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो ये कैंसल्ड पे जाता है, ठीक है, ओके। और सेट टू कोटेशन दोबारा करता हूँ, मैं कंफर्म पे करता हूँ तो ये सेल्स ऑर्डर पे जाता है। तो इसी तरह हमारा जो अपॉइंटमेंट है हॉस्पिटल में, जो हमने इसमें स्टेटस बार ऐड किया है, ये इसमें हम यहाँ पे बटन ऐड करेंगे इसको कंट्रोल करने के लिए। तो हाउ टू कंट्रोल स्टेटस बार यूजिंग बटन इन Odoo 16, तो Odoo 16 में हम स्टेटस बार कंट्रोल करने के लिए बटन्स ऐड करेंगे, ठीक है। और अब हम जाते हैं अपॉइंटमेंट व्यू डॉट एक्सएमएल में, और जो हमने यहाँ पे स्टेटस बार ऐड किया है, फील्ड नेम हमारी स्टेट है, जिसे अपॉइंटमेंट डॉट पीवाई में जाता हूँ। हमने देखो यहाँ पे स्टेट एक यहाँ पे फील्ड यहाँ पे डिफाइन किया और टाइप है इसका सिलेक्शन, ठीक है। इसमें चार ऑप्शन हमने स्टेटस में लिया, ड्राफ्ट, इनकंसिस्टेंट, डंस और कैंसिल, ठीक है। इसमें हम आज बटन ऐड करेंगे स्टेटस बार कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो हेडर में हम यहाँ पे जहाँ पे हमने फील्ड नेम स्टेट डिफाइन किया यहीं पे इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे बटन यहाँ पे डिफाइन करेंगे, बटन और नेम इक्वल डबल कोटेशन में हम लिखेंगे एक्शन इज कंसल्टेंट, ओके। और इसके बाद हम स्ट्रिंग मींस होता है कि हम जो भी यूआई में शो कराना चाहते हैं वो हम यहाँ पे राइट करेंगे, जैसे कि इनकंसल्टेंट अंडरस्कोर इनकंसल्टेंट और टाइप मींस ऑब्जेक्ट, डबल कोटेशन में ऑब्जेक्ट। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बटन टू टाइप के होते हैं, एक तो एक्शन और एक होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मींस हमारा जो हॉस्पिटल डॉट अपॉइंटमेंट है, जो हमारा मॉडल से ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और एक्शन मींस होता है जो भी हम विंडो एक्शन डिफाइन करते हैं इसमें, जिसके में विंडो एक्शन डिफाइन मैंने ये किया है, ठीक है। और इसको मैं अपने जो टाइप एक्शन में है वहां पे इसको मैं नेम में डिफाइन करूंगा, जैसे नेम में मैंने डिफाइन किया हुआ, ठीक है। तो इसी तरह हम टाइप ऑब्जेक्ट होते हैं तो इसमें एक मेथड हम फंक्शन डिफाइन करते हैं जो कि हमारा ऑब्जेक्ट डिफाइन करता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारे मॉडल्स का नेम है हॉस्पिटल डॉट अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो हम इसको करेंगे सेव और अपॉइंटमेंट डॉट पीवाई में जाएंगे और यहाँ पे एक मेथड डिफाइन करेंगे और हमारे मेथड का नेम हमने लिखा था एक्शन इज कंसल्टेंट, कॉपी किया और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा और सेल्फ हमारा होता है स्टैंड्स ऑफ ए ऑब्जेक्ट, ठीक है। और फॉर रैक इन सेल्फ, सेल्फ मीन्स हमारा ऑब्जेक्ट सेल्फ, ठीक है, हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो रैक में चला गया, ठीक है। और अब हम rec means object dot state, कौन सी फील्ड पे ऑब्जेक्ट में कौन सी फील्ड है, means state, यहाँ पे state, okay। और किस ऑप्शन पे, किस स्टेटस बार पे हम ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं, इनकंसिस्टेंट, तो ये हम कॉपी करेंगे, जो हमारे यहाँ पे लिखा है वही हमें सेव यहाँ पे कॉपी करना है। पेस्ट किया मैंने, ये आएगा यहाँ पे कोटेशन में, कोटेशन में किया मैंने, और इसको करेंगे हम सेव। अब जाएंगे यहाँ पे टर्मिनल के थ्रू, इसको रन करेंगे, अब जाएंगे हम एप्स में, अपग्रेड द मॉड्यूल एंड देन वी कैन सी ए आउटपुट। तो हम जाएंगे हॉस्पिटल में एंड अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे, अब हम इस पे क्लिक करते हैं, देखो ये यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे हमारा आ गया, जो हमने बटन यहाँ पे डिफाइन किया था। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ ये देखो इनकंसिस्टेंट पे यहाँ पे जाता है, ठीक है। इसी तरह हम और बटन यहाँ पे डिफाइन करें, ठीक है, अपॉइंटमेंट वीडियो एक्सेल पे। अब हम इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट,
पेस्ट और पेस्ट, ठीक है। तो एक्शन इनकंसिस्टेंट, और इसके बाद हम डिफाइन करेंगे एक्शन डन, एक्शन डन, और एक हम डिफाइन करेंगे एक्शन कैंसिल, ओके, और एक हम डिफाइन करेंगे एक्शन ड्राफ्ट, ड्राफ्ट, ठीक है। तो एक्शन डन में हम स्ट्रिंग में हमारा यूआई में हम वहां पे डिफाइन करेंगे मार्क एज ए डन, मार्क एज ए, अगर हमारा डन होता है हमारे जो भी उसमें अपॉइंटमेंट है तो उसमें मार्क एज डन आ जाएगा, ठीक है, वहां पे शो होगा। एक्शन कैंसिल में हमारा स्ट्रिंग में हम लिखेंगे यहाँ पे कैंसिल, कैंसिल लिखा हमने, और हमारा एक्शन ड्राफ्ट में हम स्ट्रिंग में लिखेंगे रीसेट टू ड्राफ्ट, रीसेट टू ड्राफ्ट, रीसेट टू ड्राफ्ट, ठीक है। ये हमने सेव किया, ओके, कैंसिल ड्राफ्ट डन, और ये हमने सेव किया। और मैं अब यहाँ पे मेथड डिफाइन करता हूँ जो जो हमने एक्स वहां पे ऑब्जेक्ट का नेम लिखा है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, वेस्ट करता हूँ, और हमारे नेम है एक्शन डन है पहले ऑब्जेक्ट का नेम, जो हमने मेथड यहाँ पे डिफाइन करेंगे एक्शन डन, डन फॉर एक्शन सेल्फ। तो डन में हम इनकंसिस्टेंट की जगह जो डन में हमारा ऑप्शन है डन्स, हमने यहाँ पे किया हुआ है कॉपी, और यहाँ पे आएगा डन्स, पेस्ट, और उसके बाद हमारा आएगा एक और एक्शन, कॉपी करेंगे, कॉपी, पेस्ट, और हमारा नेम क्या है एक्शन कैंसिल, टाइप ऑब्जेक्ट का नेम क्या है हमारा एक्शन कैंसिल, पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे कैंसिल, कॉपी, पेस्ट, ठीक है। और इसके बाद हमारा है एक्शन ड्राफ्ट, ड्राफ्ट के लिए मैथ डिफाइन करेंगे, और हमारा अपॉइंटमेंट भी बोर्ड में एक्शन ड्राफ्ट, यहाँ पे एक कैंसिल की जगह ड्राफ्ट आ जाएगा, ड्राफ्ट, और रैक्ट और स्टेट में हमारा क्या है ड्राफ्ट यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, कॉपी, और इसको कैंसिल को यहाँ से रिमूव करेंगे, यहाँ पे पेस्ट होगा ड्राफ्ट, ठीक है। ये हमारा एरर है इंडेंटेशन, ये हो गया सेव, और अब हम करेंगे टर्मिनल के थ्रू रन, अब एप्स में जाएंगे, अपग्रेड करेंगे अपने मॉड्यूल को, अपग्रेड, हमने अपग्रेड किया, और अब हॉस्पिटल मॉड्यूल में जाएंगे, अपॉइंटमेंट में जाएंगे, अब हम उड़ू पे क्लिक करते हैं, हमारे पेशेंट का नेम है, अब देखो हमारा ये आ गया, इनकंसिस्टेंट पे जाता हूँ इनकंसिस्टेंट, मार्क एज डन पे जाता हूँ तो डन पे जाएगा, अगर मैं कैंसिल पे जाता हूँ तो कैंसिल पे जाएगा, और रीसेट टू ड्राफ्ट पे जाता हूँ तो रीसेट टू ड्राफ्ट पे जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें स्टेट्स यहाँ पे सेट करते हैं, ठीक है, जो भी हमने स्टेट वहां पे डिफाइन किए कि कौन सी स्टेट में हमारा जाएगा, जब अब इनकंसिस्टेंट में होगा तो हमारा, अगर हमारा एक्शन डन में होगा तो हमारी स्टेट होगी इनकंसिस्टेंट, बटन में जाता हूँ, ओके, तो स्टेट होगी हमारी इनकंसिस्टेंट, अगर हमारा डन स्टेट में होगा तो हमारा जाएगा इनकंसिस्टेंट में, नहीं एक्शन डन में नहीं, मार्क एज डन पे जाएगा, इनकंसिस्टेंट पे जाएगा। तो इसको मैं सेव करता हूँ और एप्स में जाता हूं, अपग्रेड करता हूं, अपग्रेड करता हूं,
अपग्रेड किया, अब मैं हॉस्पिटल पे जाता हूँ, अपॉइंटमेंट्स पे जाता हूँ और इस पे जाता हूँ। हमारा पहले क्या था कि मैं इनकंसिस्टेंट पे जाता था तो हमारा जैसे मार्क एज डन पे जाता है तो हमारा डन्स पे जाता है, इनकंसिस्टेंट करता तो इनकंसिस्टेंट पे जाएगा, लेकिन हमें मार्क एज डन पे हमने ये देखो हमने क्या किया था एक्शन डन, तो यहाँ पे स्टेट्स आएगा और अपॉइंटमेंट व्यू डॉट एक्सएमएल में हमने क्या डिफाइन किया था इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट है सेव किया, सी करता हूँ इसको दोबारा रन करता हूँ, एप्स में जाता हूँ अपग्रेड करता हूँ, ये मैंने किया अपग्रेड। अब देखते हैं यहाँ पे आउटपुट क्या आता है, अपॉइंटमेंट में जाएंगे इस पर क्लिक करेंगे। अब हम अगर मैं अब ये डंस में है ठीक है, अगर मैं इनकंसिस्टेंट पे जाता हूँ देखो ये मार्क एज डन यहाँ पे आ रहा है अब ठीक है। देख मैं इसको दोबारा अगर वो करता हूँ तो यहाँ पे मार्क एज डन डंस, अगर मैं इसको इनकंसिस्टेंट पे जाता हूँ तो मार्क एज डन यहाँ पे शो हो जाता है। तो इसी तरह हम यहाँ पे सेट करेंगे, जैसे पहले इनकंसिस्टेंट पे था तो अगर हम डन पे क्लिक करते थे तो डन्स पे होता था, तो अब अगर हम डन पे क्लिक करेंगे मार्क एज डन पे क्लिक करेंगे तो हमारा इनकंसिस्टेंट में वो जाएगा ठीक है। अगर हम इनकंसिस्टेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जाएगा वो, इसके लिए भी हम स्टेट डिफाइन करते हैं, तो स्टेट डिफाइन करेंगे हम तो अगर हमारा इनकंसिस्टेंट में होगा तो हमारा होगा वो ड्राफ्ट, तो उसमें देख लेते हैं हमारा ड्राफ्ट कैप स्मॉल में डी आर ए एफ ड्राफ्ट ठीक है। और अगर हम कैंसिल में होंगे तो हमारा स्टेट होगा इनकंसिस्टेंट होगा एक तो, और एक होगा हमारा आगे कोमा डाल के एक होगा हमारा ड्राफ्ट ड्राफ्ट ठीक है, ये होगा हमारा, और एक होगा हमारा रिसेट टू ड्राफ्ट में होगा, ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा होगा कैंसिल। कैंसिल उसमें देख लेते हैं हम एक बार अपॉइंटमेंट कैंसिल हमारे स्मॉल में कैंसिल, तो सेव करते हैं उसको करते हैं रन, अपॉइंटमेंट व्यू में जाएंगे एप्स में जाएंगे अपग्रेड करेंगे और अब हम जाएंगे हमारा एरर है किसमें, हमारा एरर है लाइन नंबर 46 में, ओके इसमें एरर है हमारा ये एक ही जगह आएगा, कर देते हैं सेव और ओके करके अपग्रेड करते हैं अपग्रेड। अब जाएंगे हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट में जाएंगे, अब इस पे जाएंगे हम, अगर हम मार्क एज डन पे जाते हैं तो इनकंसिस्टेंट पे हमारा जाएगा, देखो मार्क एज डन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जाएगा ऑटोमेटिक इनकंसिस्टेंट पे ठीक है, अगर हम कैंसिल करेंगे तो इनकंसिस्टेंट और ड्राफ्ट पे जाएगा, तो अगर हम कैंसिल पे करते हैं तो हमारा किस पे जाएगा ड्राफ्ट पे जाएगा और इनकंसिस्टेंट पे, कैंसिल पे गया तो रीसेट टू ड्राफ्ट हमारा कैंसिल पे गया, रीसेट टू ड्राफ्ट आ गया हमारा ठीक है। अगर हम इनकंसिस्टेंट पे जाते हैं इनका मार्क एज डन आ गया और कैंसिल पे जाते हैं तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा स्टेटस बार को कंट्रोल करने के लिए हमने ऐड किया यहाँ पे बटन्स ऐड किए हैं, तो रीसेट टू ड्राफ्ट पे करता हूँ तो कैंसिल पे जाएगा, अगर मैं डन पे जाता हूँ ये देखो इनकंसिस्टेंट पे जाता हूँ तो मार्क एज डन और कैंसिल है, क्योंकि हमने जो यहाँ पे डिफाइन किया है एक मार्क एज डन पे इनकंसिस्टेंट डिफाइन किया है और एक कैंसिल पे हमने इनकंसिस्टेंट स्टेट यहाँ पे हमने लगाई है ठीक है। तो आज के लिए अगर मैं ड्राफ्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कैंसिल का यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, तो आज के लिए इतना ही, ओके।